है कि फरीदाबाद में भारी बारिश लोगों के लिए जानलेवा साबित हुई। अंडरपास में भरे पानी में एक कार डूबने से दो लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पुलिस ने कार सवारों को अंडरपास की तरफ जाने से रोका था, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, जिसकी वजह से अंडरपास में भरे पानी में कार डूब गई। उसमें सवार दोनों लोगों की मौत हो गई। दोनों की पहचान बैंक कर्मी के रूप में हुई है। अनिल हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनिल, यहाँ पर दो लोगों की मौत हुई है डूबने से, और क्या जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, जिसमें देखिए पूरा आपको बता दें कि वाकया जो है वो आज सुबह 2 बजे का था, जब ये तेज रफ्तार SUV 700 गाड़ी जो है वो बताई जा रही थी, और ये गाड़ी जो है वो BPTP से होते हुए अंडरपास, ओल्ड फरीदाबाद का जो अंडरपास है वहां से होकर जो है वो ये गाड़ी गुजर रही थी, और जिस तरीके से इस गाड़ी की रफ्तार थी काफी तेज जो है वो इसकी रफ्तार बताई जा रही थी, लेकिन जो अंडरपास है ओल्ड फरीदाबाद का उसके अंदर लगभग 10 से 12 फुट जो है वो पानी का जल भराव उसके अंदर देखने को मिला, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हो गया और गाड़ी जो है वो वहां से निकल नहीं पाई, जिसके चलते दोनों युवकों की जो कि इसके अंदर डूबने से जो है वो दर्दनाक मौत हो गई। जो दोनों युवक है वो बैंक कर्मचारी बताए जा रहे हैं, जिसमें से कि एक जो युवक है वो SDFC बैंक के अंदर बतौर मैनेजर के पद पर कार्यरत है, और दूसरा जो है वो बैंक के ही अंदर जो है वो कार्यरत था। तो दोनों ही जो है वो इस गाड़ी के अंदर सवार थे, और दोनों ही अधिक जल भराव होने के चलते जो है उन दोनों की डूबने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने जो है देखिए गाड़ी को बाहर निकाल दिया है पानी के अंदर से, और जो दोनों के शव हैं उनको पोस्टमार्टम के लिए स्थानीय अस्पताल पहुंचवा दिया। जी ठीक है अनिल, तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरीके से अंडरपास में भरे पानी में एक कार डूबने से दो लोगों की मौत हो गई। ये फरीदाबाद की तस्वीरें सामने आई है। पुलिस ने कार सवारों को अंडरपास की तरफ जाने से रोका भी था, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी, जिसकी वजह से अंडरपास में भरे पानी में कार डूब गई और दोनों की मौत हो गई। दोनों की पहचान बैंक कर्मी के रूप में हुई है। आप देखिए कि कैसे ऐसे अंडरपास में गाड़ी ले जाना खतरे से खाली नहीं होता है। दो लोगों की जान चली गई, अतीत में भी ऐसे हादसे सामने आए हैं, लेकिन लोग सबक नहीं लेते हैं। और जो भी हमारे माध्यम से इन तस्वीरों को देख रहा है, कभी भी पानी जब इतना ज़्यादा हो, पानी का बहाव ज़्यादा हो या पानी रुका हुआ हो और कोई रोके, तो फिर खतरा नहीं मोल लेना चाहिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं अनिल राठी। अनिल, जिस तरीके से पुलिसकर्मियों ने इनको रोका था, ये तस्वीरें एक संदेश भी देती हैं, आगाह भी करती हैं कि जब पानी का लेवल इतना हो तो फिर जोखिम नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से जो वाटर लॉगिंग की समस्या होती है उसमें अमन देखा जाता है कि हमें अंदाजा नहीं होता कि जो आगे स्थिति क्या है, कितना पानी गहरा है और कितनी हाइट जो है वो इसकी है, तो कहीं ना कहीं अमन देखा जाता है लोग इस तरीके से जो है वो अनजान पने में कह सकते हैं, या फिर जो जोशीले पने में कह सकते हैं कि इस तरीके से सोचते हैं कि मेरे पास गाड़ी बड़ी है तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि आगे कितना गहराई है, कितना पानी का लेवल जो है बढ़ा हुआ है। तो उस चीज को लेकर के हमें एहतियात बरतनी चाहिए, जिससे कि भविष्य में इस तरीके की गलती ना हो। लेकिन देखिए इसमें मैं एक तौर से साफ तौर से ये भी कहना चाहूंगा कि नगर निगम और जो जिला प्रशासन है उसकी भी कहीं ना कहीं पूरे तरीके से इस पूरे मामले को लेकर के लापरवाही है, क्योंकि हर साल करोड़ों रुपए खर्च करने की बात जो है वो नगर निगम के आला अधिकारियों की तरफ से कही जाती है कि हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए जो है वो इस बार ऐसा बंदोबस्त किया जाएगा कि जो पानी की जो जल भराव की समस्या है वो पूरे तरीके से बिल्कुल शहर के अंदर से खत्म हो जाएगी। बिल्कुल अनिल, नगर निगम तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ ही नहीं सकता है, और उनको जवाबदेही अधिकारियों की बनती है कि हर साल ऐसे पानी जमा होता है, निकासी के इंतजाम नहीं है। शुक्रिया अनिल आपका तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। News 18 India Chopal, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ News 18 India Chopal देखिए सिर्फ News 18 India पर।